हेलो स्टूडेंट, तो वेलकम है हमारा यूट्यूब चैनल में। तो आज का हम लोग का टॉपिक है कूलम्स लॉ, और इसके पहले वाला वीडियो आपको यदि देखना है तो आप इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, उसमें आपका लिंक दिया हुआ है, आप उसे सारा वीडियो पीछे का देख सकते हैं। और इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी का भी एक्सरसाइज का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसका भी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू आप उसमें दूसरे चैनल में जाके आप इसका वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ से। या फिर आपको ऑफलाइन क्लासेस करना है तो मैक्सवेल फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग में, ये कॉन्टेक्ट नंबर है मेरा, आप इसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स एक साइंटिस्ट का नाम है, और कूलम्स जो बताए थे वो दो फोर्स के बीच इंटरेक्शन को बताए थे। आपको पता होगा कि चार्ज को हम लोग कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, चार्ज को हम लोग हम लोग लेटर क्यू से, या आप इसमें कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू दोनों से डिनोट कर सकते हैं, इतना बात पता होगा। टाइप्स ऑफ चार्जेस में पढ़ चुके हैं, चार्ज दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होता। और यह क्लास 8 से पढ़ते आए कि जो चार्ज होता है सिमिलर चार्जेस में क्या आएगा, एक होता है सिमिलर चार्जेस या इसी को बोलते हैं लाइक चार्जेस, सिमिलर चार्जेस या इसी को बोलते हैं लाइक चार्जेस, एक जैसा चार्ज रहेगा। तो ये चार्ज क्या करेगा, प्लस प्लस रहेगा या तो फिर माइनस माइनस रहेगा, ये दोनों का दोनों क्या करेगा, रिपेल करता है, प्लस प्लस भी रिपेल करेगा और माइनस माइनस भी रिपेल करेगा। रिपेल करने का मतलब होता है दूसरे से दूर जाएगा। और इसमें जो अपोजिट चार्जेस होते हैं, बात करेंगे इसमें अपोजिट जो चार्जेस होते हैं, अपोजिट चार्जेस आपका अपोजिट में कहने का मतलब, या फिर अनलाइक बोल सकते हैं इसको, या अनलाइक चार्जेस में आएगा आपका, एक आएगा पॉजिटिव और एक आएगा नेगेटिव। तो प्लस माइनस क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, इतना बेसिक बात आपको पता होगा। ये रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा तो भी फोर्स एक दूसरे से दूर भागता है, अट्रैक्ट करता है तो एक दूसरे के पास आता है। तो यहां पर आप जानेंगे कि क्या हर चार्ज के बीच एक ही तरह का फोर्स काम करता है या फिर अलग अलग फोर्स काम करता है। कूलम्स इसी बात को एक्सप्लेन किए थे। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कोई चार्ज ले लिए प्लस 7 कूलम और एक में चार्ज ले लिए प्लस 7 कूलम और एक में चार्ज ले लिए 8 कूलम और एक में चार्ज ले लिए 6 कूलम। दो सिस्टम लिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम रखते हैं। एक होता है फिजिक्स रटने वाला चीज नहीं, समझने वाला चीज है कि एक्चुअली ये बताता क्या है। तो कूलम्स जो बताए थे दो चार्ज के बीच फोर्स बताए थे, किसमें फोर्स अधिक काम करेगा किसमें फोर्स कम काम करता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि प्लस 7 कूलम है, प्लस 7 कूलम है, एक में प्लस 8 कूलम है, एक में प्लस 6 कूलम है, तो इसमें दोनों में से फोर्स किसमें अधिक काम करेगा। तो आपको लग रहा हो कि आपको लग रहा है इन दोनों में सेम काम करेगा, तो नहीं। कूलम्स इस बात को एक्सप्लेन किए कि इसमें 7 कूलम, इसमें 7 कूलम, इसमें 8 कूलम, इसमें 6 कूलम। तो कूलम्स बताया कि जो फोर्स जो डिपेंड करता है वो दोनों के चार्ज का प्रोडक्ट का डायरेक्टली होता है। कहने का मतलब, जब भी आज के बाद आपसे जब भी पूछा जाए कि इसमें ज्यादा फोर्स काम कर रहा है, डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तो हमेशा क्या कीजिएगा, जो दो चार्ज दिया हुआ है दोनों को इंटू कर दीजिएगा। 7 7 7 7 का कितना हो गया 49 और 8 6 का कितना हो गया 48। आपको पता है कौन सा नंबर बड़ा है, 49 बड़ा है, तो बोलेंगे इसमें अधिक फोर्स काम करेगा और नीचे वाले में कम फोर्स काम करेगा। उम्मीद है कि पहला स्टेटमेंट का बात आपको बात समझ में आ गया होगा। किसी कभी भी आपसे दो चार्ज पूछा जाए, जैसे और भी एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग, जैसे बोला जाएगा 2 कूलम है, एक में 3 कूलम है, 3 कूलम है और यहाँ पर 3 कूलम है, तो आपसे पूछा जाए कि दोनों में से अधिक फोर्स किसमें काम करेगा, इसमें 6 आ गया, इसमें 9 आ गया, तो नीचे वाले में ऑफकोर्स अधिक फोर्स काम करेगा। तो जो फोर्स होता है वो डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के चार्ज का प्रोडक्ट का, बाकी दूसरा बात बताने का कोई जरूरत नहीं है। यदि अब सवाल होता है चार्ज सेम रहेगा, चार्ज सेम रहेगा, बाय द वे इसका हम मान लिए कि इसके बीच का डिस्टेंस कितना लिए 1 मीटर, इसी सेम चार्ज को 3 कूलम और यहां पर 3 कूलम है, इस डिस्टेंस को हम क्या करके दो गुना कर दिए, इसके बीच का डिस्टेंस को दो गुना कर दिए, ऊपर 1 मीटर था नीचे 2 मीटर कर दिए। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अब ये तो जब डिस्टेंस बढ़ा दी तो रिपल्शन घट गया या अट्रैक्शन घट गया, वो डिपेंड करता है चार्ज कैसा रहेगा। प्लस प्लस चार्ज रहेगा तो आपका रिपेल करेगा, प्लस माइनस रहेगा तो आपका अट्रैक्ट करेगा। तब यहाँ सवाल उठता है कि ये अट्रैक्शन बढ़ गया फिर घट गया,
तो किस रेशियो में बढ़ाया घटा दिया, डिस्टेंस को डबल कर दिया, तो आपको लग रहा होगा नहीं अट्रैक्शन या रिपल्सन जो होगा वो टू टाइम्स घट गया होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर याद रखिएगा कि फोर्स जो होता है वो डिस्टेंस के अनुसार नहीं, डिस्टेंस के इन्वर्सली नहीं, उसका स्क्वायर टाइम्स का इन्वर्सली होता है। डिस्टेंस को दो गुना बढ़ाया गया तो फोर्स चार गुना घट गया, इसलिए डिस्टेंस को हम थ्री टाइम्स बढ़ाएंगे तो मेरा फोर्स जो होगा वो नाइन टाइम्स घट जाएगा। इसी तरह जब डिस्टेंस को हम फोर टाइम्स बढ़ाएंगे तो मेरा फोर्स सिक्सटीन टाइम्स घट जाएगा। तो याद रखिएगा कि जो डिस्टेंस घटता, डिस्टेंस जिस रेशियो में बढ़ेगा फोर्स उसका स्क्वायर टाइम्स घटेगा। चलिए अब लोग स्टेटमेंट में आते हैं, स्टेटमेंट क्या बोलता है, देखिए स्टेटमेंट क्या बोलता है इसका, देखिए बोलता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, अट्रैक्शन बात कर रहा है सिमिलर चार्ज के लिए, रिपल्सन सॉरी अट्रैक्शन बात कर रहा है अपोजिट चार्जेस के लिए, रिपल्सन बात कर रहा है सेम चार्जेस के लिए, दो पॉइंट चार्जेस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, जैसे बताया एफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, दोनों के चार्ज का प्रोडक्ट का। डायरेक्टली का मतलब होता है कि एक क्वांटिटी बढ़ाएंगे दूसरा क्वांटिटी अपने आप बढ़ेगा। दूसरा बोलता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का, एफ जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² का। चलिए इसके लिए क्या किया, मान लिया कि दो पॉइंट चार्ज है Q1 है Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या आ रहा है, रखा हुआ कहां पर, वैक्यूम में। कूलम्स का नियम क्या बोलता है, डायरेक्टली Q1 Q2 होता है, इन्वर्सली किसका होता है 1/r², जब दोनों को मिला दिए कंबाइन कर दिए क्वेश्चन 1-2 को, तब आ गया आपका एफ डायरेक्टली Q1 Q2/r². अब यहां पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, यहां थोड़ा मिस्टेक, यहां पर प्रोपोर्शनल का साइन जब हम हटाएंगे तो यहां पर जब साइन हटाएंगे तो यहां पर इक्वल का आ जाएगा साइन, यहां पर प्रोपोर्शनल का साइन आ जाता है क्या था, कांस्टेंट आएगा और यहां पर आ गया एफ इक्वल टू के Q1 Q2/r², जहां पर के का नाम क्या है, कूलम्स कांस्टेंट। कूलम्ब कांस्टेंट का कांसेप्ट इसलिए आया क्योंकि दो चार्ज है उसके बीच जो वैक्यूम रहेगा तो कांस्टेंट का वैल्यू के का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, अदरवाइज आपका मीडियम चेंज रहेगा तो हर बार के का वैल्यू वहां पे क्या जाएगा, वैरी कर जाएगा। एनसीईआरटी में जो आपको पढ़ना है हमेशा चार्ज वहां रखेंगे, फ्री स्पेस में रखेंगे, एयर में रख सकते हैं या फिर वैक्यूम में रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कूलम्ब कांस्टेंट का जो वैल्यू निकाला गया क्या निकाला गया, यहाँ पर ध्यान दीजिए जो कूलम्ब कांस्टेंट का वैल्यू है आपका 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, और E0 जो है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यहाँ पर जिसको डिफाइन किया गया है ये कांस्टेंट को जो डिफाइन किया गया है वो फ्री स्पेस में डिफाइन किया गया है। देखिए अब इक्वेशन 1 जो मेरा आया था F इक्वल टू आपका आया था के Q1 Q2/r², जहां पर हम क्या किए k का वैल्यू पुट कर सकते हैं, k का दो तरह से डिफाइन किया गया इसको 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये फॉर्मुला हो गया, इंपॉर्टेंट फॉर्मुला हो गया, इससे अभी रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स देखेंगे, एनसीईआरटी का दो दो न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे यहाँ पर, इसी फॉर्मुला से कैसे बनेगा देखिए। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं डायमेंशनल फॉर्मुला कैसे निकालते हैं कूलम्ब कांस्टेंट का या फिर एब्सोल्यूट परमिटिविटी का। ये क्वेश्चन आपका जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन आपका जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 में, आप मिला सकते हैं इसको। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कूलम्ब कांस्टेंट आप लोग कैसे निकालेंगे, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला या फिर कूलम्ब कांस्टेंट का या फिर एब्सोल्यूट परमिटिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग कैसे पता करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसे हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना होता, कूलम्ब कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला पता करने के लिए हम क्या करना होता है, जो फॉर्मूला है उसी के हेल्प से निकाल सकते हैं। यहाँ से के का फॉर्मूला आपका आ जाएगा Fr² / Q1 Q2। चलिए फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-2, डिस्टेंस का हो जाएगा आपका L² चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है AT, यहां पर आ जाएगा AT। इसको जब सॉल्व कीजिएगा देखिए M हो गया L^(1), L^(2), तो ये L^(3) हो गया, T^(-2) नीचे सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा A², T²। अब इसको ऊपर ले जाइए सारे टर्म को तो ये हो जाएगा ML³ और T^(-2) और नीचे T^(+2) ऊपर चला जाएगा T^(-4) और ये हो जाएगा A^(-2)। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आपका किसे निकल गया, कूलम्ब्स कांस्टेंट का। और देखिए यहाँ पर सिंपल याद रखिएगा कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला कूलम्ब कांस्टेंट का आता है जस्ट उल्टा आता है किसका, एब्सोल्यूट का। तो यहाँ M^(1) था या -1 हो गया, L^(3) था या -3 हो गया, T^(-4) था या +4 हो गया, A^(-2) था या A^(+2) हो गया। नोट में क्या लिखा हुआ देखिए एक बार, बोलता है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस बेस्ड इन एयर और फ्री स्पेस इज गिवन बाय, एयर के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं एप्सिलॉन और यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जब हम एयर को हटा देंगे, जैसे
हम दो चार्ज लिए, Q1 लिए और Q2 लिए। अब सवाल उठता है बीच में यहाँ पर एयर है, अब इसी चार्ज के बीच कोई दूसरा मीडियम को लेकर आ गए, हम सपोज ले के आ गए वाटर को लेकर आ गए, या फिर Q1 Q2 के बीच हम दूसरा मीडियम को प्लास्टिक को लेकर आ गए, या फिर Q1 Q2 के बीच हम कोई मेटल को लेकर आ गए, तो यहाँ पर क्या होगा जब मीडियम चेंज हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा बीच में जब मीडियम आपका चेंज हो जाएगा तो फोर्स का वैल्यू चेंज होता है। तो फोर्स का जो वैल्यू चेंज होता है वो कैसे चेंज होता है देखिए, अब वहां पर क्या होता है जहां पर हम E0 लिखे थे E0 को रिप्लेस कर देंगे किसके द्वारा, एप्सिलॉन के द्वारा। यहां पर एप्सिलॉन बताता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, हर मीडियम का एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होगा अलग अलग होगा, लेकिन आपको जो याद रखना रहता है वो किसका वैल्यू याद रखता है एप्सिलॉन नॉट का, एयर के लिए। जब भी आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो E0 का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, लेकिन बाकी मीडियम के लिए पूछेगा तो मे बी आपका क्वेश्चन में आपका उसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा। E का जो वैल्यू रहेगा हमेशा E0 से बड़ा रहेगा, इसीलिए हमेशा याद रखिएगा कि एयर में दो चार्ज के बीच फोर्स हमेशा अधिक रहेगा इन कंपैरिजन कोई भी मीडियम रहेगा। चलिए फिर नेक्स्ट है आपका लिमिटेशन। हाँ, कूलम्स लॉ का सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है, पहला बात बोलता है कि लिमिटेशन इसे बोलता है कि पहला बात की पॉइंट चार्ज हमेशा किस में रहना चाहिए आपका रेस्ट में, और ये सिर्फ वैलिड किसके लिए पॉइंट चार्जेस के लिए। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है यहाँ पर, पॉइंट चार्ज का मतलब होता है जो चार्ज का साइज है उसके बीच का डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में कितना बड़ा है कितना छोटा है, वो जो एक्चुअल साइज होगा चार्ज का डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में बहुत ही छोटा होना चाहिए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन रहता है आपका जैक बोर्ड में पूछता है, सीबीएसई बोर्ड में पूछता है, जितना भी ऑल इंडिया में कहीं भी कोई एग्जाम होता है सारा पूछा जाता है। क्वेश्चन बहुत ही आसान लिखे, इसमें बोलता है कि फोर्स दो स्फीयर के बीच निकालना है, दोनों का चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। देखिए तो यहाँ पर याद रखिएगा इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, सॉल्यूशन देखिए आपको हम एक ट्रिक बताएंगे जिससे आपका कोई भी न्यूमेरिकल हो चाहे जेईई मेंस का हो एडवांस का हो नीट का सारा बन जाएगा। आप सिर्फ स्टेप को फॉलो कीजिएगा, स्टेप वन हमेशा क्या कीजिएगा गिवन, कभी भी कोई प्रॉब्लम आता है तो पहला काम क्या कीजिए क्या दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ दो चार्ज दिया हुआ है, एक Q1 है और एक Q2 है, बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। Q1 कितना दिया हुआ है, Q1 आपका दिया हुआ है 2 × 10⁻⁷ कूलम, और Q2 कितना दिया हुआ है 3 × 10⁻⁷ कूलम, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ये मेरा पहला काम हो गया। स्टेप टू में आप याद रखिएगा कि स्टेप टू में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप टू में हम लोग करते हैं यहाँ पर स्टेप टू में कभी भी हम लोग चेक करते हैं कि जो सिस्टम दिया हुआ है वो SI में है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस दिया हुआ है सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को हम पहले किसमें कर रहे हैं मीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए हम क्या करते हैं 100 से डिवाइड कर देंगे इसको, या फिर तरीका है इसी को कि 10⁻²² से इंटू करेंगे, दोनों का ही दोनों क्या है इसमें सही है। तो यहाँ पर जो आपका वैल्यू आ गया आपको कितना आ गया 0.3 मीटर। चलिए अब यहाँ पर सॉल्व कर देंगे एफ का जो, अब थर्ड स्टेप हम लोग क्या करेंगे, स्टेप टू का काम मेरा हो गया, स्टेप वन गिवन क्या दिया हुआ, स्टेप टू हम लोग एक बार चेक कर लेंगे कि जो दिया हुआ वो SI में है या फिर नहीं है, और जो थर्ड स्टेप है स्टेप जो थर्ड है वो यूजिंग फॉर्मूला हम देख लेंगे। फॉर्मूला होता है F = K Q1 Q2 / R² हर चैप्टर में आपको क्या मिलेगा ना, एक कांस्टेंट मिलेगा जिसका वैल्यू आपको याद रखना होता है, कांस्टेंट का वैल्यू याद रखिए कभी भी आपको दिया हुआ नहीं रहेगा। देखिए आप तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कांस्टेंट का वैल्यू पुट कर देंगे, तो F = constant भी बताया कि 9 × 10⁹ होता है कूलम कांस्टेंट का वैल्यू, Q1 का वैल्यू दिया हुआ 2 × 10⁻⁷, Q2 का वैल्यू दिया हुआ 3 × 10⁻⁷, और डिस्टेंस आपका दिया हुआ 0.3 का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 9 × 2 = 18 = 54 हो गया आपका, −7 −7 − 14 + 9 हो गया −5, और 0.3 का स्क्वायर 0.09। पॉइंट ऊपर ले जाएंगे तो 20 आ जाएगा, 9 के टेबल में 6 बार कट जाएगा तो आ जाएगा 6, और यहाँ −2 यहाँ −5 तो जाएगा −3। अब फोर्स का स्टेप फोर हम लोग क्या करते हैं कि जब भी आंसर लिखते हैं आंसर जब भी लिखेंगे तो यूनिट के साथ विथ यूनिट, तो फोर्स का जो यूनिट होता है क्या होता है न्यूटन, तो आपका आंसर आ गया ये 6 × 10⁻³ न्यूटन। चलिए इससे एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था, इसमें क्वेश्चन बोल रहा था कि दो चार्ज स्फीयर है दोनों का चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है डिस्टेंस दिया हुआ है, तो आप फोर्स कैसे निकालेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप दोनों काम के, पहला काम गिवन दूसरा काम कन्वर्जन कर लिए कि वो SI सिस्टम में है या फिर नहीं है,
फिर स्टेप थ्री में हम लोग क्या क्या फॉर्मुला यूज किया, स्टेप फोर में जब भी आंसर लिखेंगे तो यूनिट के साथ। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर टू। इस बार क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए, फिर से स्मॉल चार्ज स्फीयर है, दो स्फीयर दोनों का चार्ज का वैल्यू अलग अलग है, फिर से वही काम करेंगे। Q1 का वैल्यू दिया हुआ 0.4 माइक्रोकूलम और Q2 इस बार दिया हुआ आपका 0-0.8 माइक्रोकूलम और फोर्स का वैल्यू दिया हुआ इस बार 0.2 न्यूटन। और आपसे क्या पूछा गया, बीच का डिस्टेंस, और पूछा गया व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि पहला दूसरे पे कितना फोर्स लगाएगा और दूसरा पहला पे कितना फोर्स लगाएगा। पहले से सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से, फॉर्मूला यूज करेंगे F इक्वल टू क्या होता है K Q1 Q2 / R2। चलिए पहले बात यहाँ माइक्रोकूलम है, माइक्रोकूलम को कूलम में ले आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0.4 × 1 माइक्रोकूलम में कितना होता है 10⁻⁶। याद रखिएगा इसको, तो माइक्रोकूलम को पहले किस में ले आए, कूलम में। जब भी हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो ऐसा ही सिस्टम में ला के सॉल्व करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए K का वैल्यू हम पुट कर देंगे 9 × 10⁻⁹, Q1 का वैल्यू हो गया आपका 0.4 × 10⁻⁶, Q2 का वैल्यू है 0.8 × 10⁻⁶ और डिस्टेंस हो गया आपका R2 और F के वैल्यू के 0.2। R2 किधर है, ये पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आ गया, इस पॉइंट को हटाए तो नीचे 10 आ गया। चलिए इसे सॉल्व करेंगे, ये 9 × 4 = 36 हो गया, 36 × 8 आ गया। अब इसे सॉल्व कीजिए, −6 − 6 − 12 और +9, ये −3 हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा R2 तो इधर चला गया था, इसमें 0.2 नीचे आ जाएगा। अब ये आपका बचेगा कितना 100, पॉइंट लाएंगे तो 10 चला जाएगा, 1 0 1 0 कट जाएगा। फिर देखिए 2 के टेबल में कितना कटेगा 18 बार 18 कितना था 144 और ये 10 यहाँ बचा गया ऊपर चला गया तो −3 था पहले से, ये 1 था वन ऊपर चला गया तो −1 दिए गया 10⁻⁴। ये R² निकल गया, तो R निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर इधर चला गया तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा 144 × 10⁻⁴। इसी को 144 का स्क्वायर रूट 12 हो जाएगा और 10⁻⁴ को हम लिख सकते हैं 10⁻²² का स्क्वायर, ये हो जाएगा 12 × 10⁻²² मीटर। इसी को आप लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी। अब हम लोग बात करेंगे इसका वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ, कि कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हम लोग कैसे ड्रा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, देखिए कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ, ये भी बहुत आसान है इसे समझने का अकेला है कूलम्स लॉ। देखिए इसमें भी क्या करेंगे, दो चार्ज ले लिए, एक पहला चार्ज हम क्या ले लिए Q1 और दूसरा चार्ज हम क्या ले लिए Q2। पहला चार्ज Q1 हो गया, दूसरा चार्ज मेरा हो गया Q2। दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लेंगे, दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों का बीच का डिस्टेंस हम ले लिए R, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया R। चलिए अभी जो फिलहाल आपको समझाने के लिए बता रहे, ये भी प्लस है आपका, ये भी प्लस है। अब सवाल होता है कि प्लस प्लस चार्ज क्या करेगा, प्लस प्लस चार्ज आपका रिपेल करेगा, तब कौन सा चार्ज किधर जाएगा। आपको समझाने के लिए इसको भी ए पे रखें, इसको बी पे रखते हैं, तो आपको बताना है कि Q1 चार्ज किधर भागेगा। तो Q1 जो चार्ज है वो लेफ्ट की तरफ भागेगा, क्योंकि प्लस प्लस क्या करता है, रिपेल करेगा, तो Q1 भाग रहा है लेफ्ट की तरफ, तो ये फोर्स लग रहा है 1 पे, तो कौन भगा रहा है, 2 भगा रहा है, इसीलिए इसको लिखेंगे F12। Q2 किधर भाग रहा है, राइट की तरफ, कौन भागा रहा है, Q1 भगा रहा है, इसीलिए इसमें जो फोर्स काम करेगा 2 पे काम करेगा, किसी कारण 1 के कारण। चलिए अब फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग F12, पहले फोर्स निकालेंगे 2 पे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा K Q1 Q2 / डिस्टेंस कितना लेंगे R2, ये आपका सही है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमेशा वेक्टर को लिखने के लिए दो चीज चाहिए, जैसे अब तक पूछा जाए कि कोई वेक्टर को लिखने के लिए वो दो चीज चाहिए, वेक्टर को लिखने के लिए एक मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा होता है डायरेक्शन, एक मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड × डायरेक्शन। जैसे आपसे सिंपल सवाल पूछा जाए कि क्या A = A है, तो इसका आंसर होगा हाँ ये बराबर है, लेकिन अब पूछा जाए कि क्या ये बराबर है, तो गलत हो गया, क्योंकि इसमें डायरेक्शन एरो का साइन आ गया। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक कैप लगाते हैं यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर डायरेक्शन हम मेंशन कर दिए, तो यहाँ पर डायरेक्शन देना होगा यूनिट वेक्टर, तो F12 का डायरेक्शन दिया जा रहा है लेफ्ट की तरफ, तो यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर ले लेंगे जो डायरेक्शन दिखा रहे हैं कहाँ से, वहां 2 से 1 की तरफ, यहाँ लिखेंगे R21। ध्यान दीजिए R21 क्या मेरा दिखा रहा है, ये जो F12 लग रहा है किधर, लेफ्ट की तरफ, तो डायरेक्शन दिखाना है लेफ्ट की तरफ, तो फोर्स लग रहा है Q2 से Q1 की तरफ, तो यहाँ लिखेंगे R21। R21 का यहाँ काम क्या है, डायरेक्शन दिखा रहा है कि Q2 से Q1 की तरफ फोर्स लग रहा है। सिमिलरली अब हम निकालेंगे F12, सिमिलरली
एफ वन टू हो गया एफ टू वन, देखिए तो यहाँ भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चार्ज मेरा क्यू वन क्यू टू हो जाएगा, बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर हो जाएगा। अभी ऐसा ही लिखा हुआ है, लेकिन अब जब वेक्टर का साइन देखिए तो गलत हो गया। इधर वेक्टर का साइन हमको दिखाना है, तो वेक्टर का साइन हमको दिखाना है किधर, क्यू वन से क्यू टू, यहाँ जो यूनिट वेक्टर ले लेंगे वो ले लेंगे आर वन टू, तो यहाँ हो जाएगा आर वन टू, इसको इक्वेशन ले लेंगे टू नंबर। चलिए अब यहाँ पर देखिए दोनों में क्या रिलेशन आएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप क्लास इलेवन पढ़े होंगे कि कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, तो दोनों में लिखने का तरीका क्या है, बोलेंगे ए बराबर बी है तो ये सही बात है, ए बराबर बी है, लेकिन बोलेंगे क्या अब सही है, तो अब ये गलत हो गया, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो कभी भी फिजिक्स में जब डायरेक्शन अपोजिट दिखाना रहता है वेक्टर में तो हम माइनस साइन यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर कि हम क्या लिखेंगे, आर टू वन जो है यूनिट वेक्टर क्या आर वन टू के बराबर है, तो नहीं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए क्या लिखेंगे माइनस साइन। अब देखिए इक्वेशन वन से हम देख लेंगे यहाँ पर इक्वेशन वन में मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर इस बात को हम यहाँ से मिटा लेंगे इसको, यहाँ पर ध्यान दीजिए अब हम क्या लिखेंगे, एफ वन क्यू टू मेरा आया किसके बराबर आ जाएगा, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए आर टू वन की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं माइनस आर वन टू, क्या यह माइनस को बाहर निकाल देंगे तो जाएगा के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर आर वन टू क्या। अब देखिए ये वाला जो वैल्यू आया, ये वाला वैल्यू किसके बराबर आया, ये वाला जो वैल्यू है वो टू के बराबर है, एफ टू वन के बराबर, तो इसी बात को लिख सकते हैं, और एफ वन में टू आएगा मेरा माइनस एफ टू वन के बराबर आएगा। इसका मतलब हुआ कि जितना फोर्स मेरा, देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि यदि पहला वाला चार्ज इधर 5 न्यूटन लगा रहा है, दूसरा चार्ज पहला को 5 न्यूटन फोर्स से धकेल रहा है, तो आपका पहला वाला भी कितना फोर्स से धकेलेगा 5 न्यूटन से। कहने का मतलब कि दो चार्ज के बीच जो फोर्स काम करता है, कभी भी है, इसमें आपको समझना होगा कि छोटा चार्ज बड़ा चार्ज नहीं देखना। जैसे सिंपल सवाल पूछा आपको कि एक 2 कूलम चार्ज है और एक 8 कूलम चार्ज है, तो दो ये Q1 है ये Q2 है, तो आपसे पूछा जाए कि दोनों में से ज्यादा फोर्स कौन लगा रहा है, दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगा रहा है। यदि इधर ये लगा रहा है 10 न्यूटन तो दो वाला बीच में कितना लगा रहा है 10 न्यूटन। तो यही बता रहा है यहाँ पर कि जो F1 F12 जो होता है F21 के बराबर होता है, और दोनों ये माइनस साइन बताना चाहता है कि दोनों का डायरेक्शन क्या होता है अपोजिट होता है। कोई दिक्कत इसमें, देखिए इसके पहले वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोला था, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन बोला था वो था व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर टू द फर्स्ट, तो फर्स्ट वाला सेकंड पे लगा रहा है 0.2, तो सेकंड भी फर्स्ट पे कितना लगाएगा, तो बी का आंसर हो जाएगा 0.2 न्यूटन। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल में आपको सारा क्लास 12 का जितना भी एक्सरसाइजेस है सारा चैप्टर का इसमें वीडियो अपलोड किया जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।